कृषि की एक खासियत ये है कि इसकी मौसम पर निर्भरता कहीं ज्यादा है। उद्योग के किसी भी उद्योग की भी मौसम पर निर्भरता होती है, पर जितनी कृषि की मौसम पर निर्भरता होती है उतनी किसी और उद्योग की मौसम पर निर्भरता नहीं होती। खेती मूलतः भोजन पैदा करती है, भोजन बुनियादी आवश्यकता है। इसका क्या मतलब है कि कीमत बढ़ने घटने से मांग पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। गेहूं सस्ती होने पे आप चार गुना रोटी खानी शुरू नहीं कर देते हैं, गेहूं महंगी होने पे भी कुछ मांग कम होगी पर ज्यादा कम नहीं होगी। भोजन की मांग उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी जिस अनुपात में आय बढ़ती है, बाकी अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है। दो कारण है जिसके चलते पूरी दुनिया में और बाजार का अर्थव्यवस्था मतलब जो मूल धारा का अर्थशास्त्र वो भी कहता है कि इसमें दखल तो करना पड़ेगा। ऐसा से हम लोग देख रहे हैं कि किसानों का आंदोलन एक बार फिर से देखने में आ रहा है कि वो MSP की अपनी मांग को लेकर काफ़ी आंदोलित हैं। उसके साथ और भी कई मांगे हैं लेकिन मुख्य मांग MSP के गारंटी कानून को लाने से संबंधित ही है। और MSP वाले मुद्दे के ऊपर अखबारों में और वीडियोस आपको YouTube पे तमाम किस्म के देखने को मिलते हैं, TV पे भी काफ़ी चर्चा आजकल हो रही है और अलग अलग तरह के व्यूज़ इसको लेकर आ रहे हैं हमारे सामने। कई भ्रांतियाँ भी हो सकती हैं, कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि इस मुद्दे को उसके सही अर्थ में समझने के लिए एक कार्यक्रम किया जाए जिसमें हम कोशिश करें इस मुद्दे को सैद्धांतिक तौर पर समझने की और इसके जो आयाम हैं उनको खोलने की। और जो खबरों में कई तरह की बात आ रही है, एक पक्ष ये आता है कि जी MSP अगर लागू हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, गवर्नमेंट के ऊपर एक्सचेकर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाएगा, इकोनॉमी जो है वो अनसेटल हो जाएगी, तरह तरह के हमको सुनने को मिल रहे हैं दृष्टिकोण। तो दोनों तरह की एक तरह से आर्गुमेंट्स हैं जिसमें जो जितना मैंने देखा समझने की कोशिश की है, एक तो मार्केट फ्रेंडली जिसे आप कह सकते हैं उस नज़रिए से देखा जा रहा है कि भाई बाज़ार के ढंग से चीज़ों को चलने दो और किसान को अपने प्रोड्यूस की कीमत बाज़ार सेटल करके दे देगा और उसमें कोई घाटे का सौदा भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक तो आर्गुमेंट इस तरह का किया जाता है, लेकिन उसके बरक्स उन्हीं आर्गुमेंट्स को काटते हुए आर्गुमेंट भी हमें सुनने को मिलते हैं जिनसे ये सोच बनती है और ये समझ बनती है कि MSP अगर लागू हो जाती है तो उसमें न तो अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत लंबा चौड़ा असर पड़ने वाला है और किसान को जो कुछ मिलना चाहिए वो भी मिलेगा और उससे जो ऋण की जो उसकी आज के दिन हालत है उसमें भी बेहतरी होगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। वो तमाम बातें जो अलग अलग ढंग से दूसरे पक्ष की तरफ से आती हैं उनको काटती हुई बातें हमें किसानों के पक्ष की भी सुनने को मिलती है, जिससे एक आम आदमी जो है उसको कई बार कन्फ्यूजन भी पैदा होते हैं कि कौन सही है कौन गलत। तो इसी मुद्दे पे हमने डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जो हमारे बीच के ही हैं, हमें से ज़्यादातर लोग उनको जानते ही हैं, अर्थशास्त्र विभाग महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए और कुदरती खेती अभियान जो जैविक किसानों का समूह है उसके साथ भी कई सालों से, लगभग 15-20 साल से उसके साथ भी, 15-20 नहीं तो 12-15 साल तो हो ही गए हैं उसके साथ भी काम कर रहे हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास इकोनॉमिक्स की दृष्टि से इस चीज़ को समझकर हमको बताने की दृष्टि भी है और किसानों के साथ उनका जो जुड़ाव ज़मीनी स्तर पर रहा है उस एंगल से भी उन्होंने इन चीज़ों को देखा समझा जाना होगा, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इस मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखें। पर मैं केवल एक पक्ष से बात करूँगा, केवल अर्थशास्त्री के नाते से ही केवल बात करूँगा, किसानों के नज़रिए से बात नहीं करूँगा और मैं अर्थशास्त्री भी बाजारवादी अर्थशास्त्री के नाते से बात करूंगा, ये समझने की जरूरत है। एक चीज तो मैं आपको, आपने मीडिया में देखा ही होगा, यूरोप में किसानों के बड़े बड़े आंदोलन,
फ्रांस में हो रहे हैं, बेल्जियम में हो रहे हैं, कई देशों में हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट हो जानी चाहिए, अगर विकास के इतने लंबी अमीर देश हैं, इतने विकास के बाद इतनी अमीरी के बावजूद किसानों को वहां पे बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, किसान वही लगभग, उनकी भाषा अलग हो सकती है, कुछ मांगों में अंतर भी हो सकता है, पर बुनियादी तौर पे मांग यही है, मुद्दा यही है कि बाजार उन्हें ठीक भाव नहीं दे रहा है और उसमें सरकार की दखलंदाजी उन्हें चाहिए। तो एक अर्थशास्त्री के नाते से हमें कृषि और गैर कृषि में जो बुनियादी अंतर है वो समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं बोर्ड का प्रयोग करूंगा, थोड़े से अर्थशास्त्र का प्रयोग करूंगा। मानकर कीमत मांग, मैं दो तरीके की मांग कर बनाऊंगा। और सप्लाई आपूर्ति, मान लीजिए वर्तमान में ये आपूर्ति है तो ये हमारी बाजार के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये हमारी मांग मात्रा हो जाएगी और ये हमारी बाजार में कीमत हो जाएगी। अब मान कृषि की एक खासियत ये है कि इसकी मौसम पर निर्भरता कहीं ज्यादा है, उद्योग के किसी भी उद्योग की भी मौसम पर निर्भरता होती है, पर जितनी कृषि की मौसम पर निर्भरता होती है उतनी किसी और उद्योग की मौसम पर निर्भरता नहीं होती है। समय पर बारिश का होना ना होना, ठंड ज़्यादा पड़ना कम पड़ना, वो सब चीज़ों से प्रभावित होती है। तो मौसम से उसकी आपूर्ति प्रभावित होती है। तो अपेक्षा ये थी कि गेहूँ का मौसम, गेहूँ के हिसाब से मौसम ठीक रहेगा तो मांग के हिसाब से प्राइस पी जीरो रह जाएगी और मात्रा जो है वो क्यू जीरो रह जाएगी। अब मान लीजिए मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हो गया तो आपूर्ति कम हो जाएगी निश्चित तौर पे, और ये आपूर्ति होगी घट के इतनी आपूर्ति होगी, ये क्यू वन होगी। अब ये मांग पर निर्भर करेगा कि कीमत में बदलाव कितना है। अगर मांग क्यू दूसरे जैसा है तो कीमत में थोड़ा सा ही बदलाव होगा, थोड़ी सी, क्योंकि आपूर्ति कम हुई है तो थोड़ी सी कीमतें बढ़ जाएंगी। पर अगर मांग एक जैसी है, इस वक्र जैसी है, तो आप देखोगे कि कीमत में कितना ज्यादा बदलाव हो गया। ठीक है ना, तो मांग की प्रकृति से कीमतों के उतार चढ़ाव पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर मांग की प्रकृति इस मांग जैसी है तो कीमतें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी, और अगर इस जैसी है तो कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि मौसम बहुत अच्छा रह जाए, गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी हो जाए, वो भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए गेहूं की पैदावार इतनी ही बढ़ भी गई, मान लीजिए ये हो गई गेहूं की पैदावार, अब क्या होगा, कीमतें ये घट के ये हो जाएगी, परंतु अगर मांग वक्र इस जैसा होता तो कीमत घटती और थोड़ी सी घटती। अब सोचने की बात यह है कि खेती की जो मांग कर्व है वो इस जैसा होता है या इस जैसा होता है। खेती मूलतः भोजन पैदा करती है, भोजन बुनियादी आवश्यकता है। इसका क्या मतलब है कि कीमत बढ़ने घटने से मांग पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। गेहूं सस्ती होने पे आप चार गुना रोटी खानी शुरू नहीं कर देते हैं, गेहूं महंगी होने पे भी कम, कुछ मांग कम होगी पर ज्यादा कम नहीं होगी। तो क्योंकि गेहूं की मांग या भोजन की मांग कीमतों पे इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करती है जितना गैर कृषि उत्पादों की मांग प्रभावित होती है। तो इसलिए आमतौर पे खेती की जो मांग होगी या भोजन की जो मांग होगी
वो मांग वक्र एक जैसी होगी, मांग वक्र दो जैसी नहीं होगी। ये बात स्पष्ट है, क्योंकि भोजन हमारी बुनियादी जरूरत है, मांग बढ़ने पे मांग कम तो जरूर होगी, इसमें भी मांग कम हो रही है। अगर कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है, कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है, पर बदलाव थोड़ा है। गेहूं सस्ता हो जाता है तो आप रोटी फालतू बच गई तो फेंक भी देंगे, गाय को ज्यादा खिला देंगे। गेहूं बहुत महंगा हो जाएगा तो आप रोटी गिन के बनाने लग जाएंगे, मतलब जो मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग है तो वो मतलब गाय को ऐसे खुले, तो उतना थोड़ा सा फर्क होगा। इकोनॉमिक्स की परिभाषा में कहें तो हम कहेंगे कि मांग की, भोजन की मांग की जो कीमत की इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो कम होती है, और जो इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं ज्यादातर की उनमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होती है, कीमतों के बदलने का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। कृषि उत्पाद पे सप्लाई में परिवर्तन होने पर कीमतों में बदलाव बहुत ज्यादा होता है, और कीमतों में बदलाव का मांग पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अब आप ये दो चीजें देखिए, एक कि भोजन की मांग कीमतों से कम प्रभावित होती है, परंतु कृषि की जो उत्पादकता है, पैदावार है, वो मौसम पर निर्भरता के चलते बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। किसी भी इंडस्ट्री में सप्लाई कर्व में इतने ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, कारें थोड़ी कम बन जाएंगी, थोड़ी ज्यादा बन जाएंगी, बहुत ज्यादा सप्लाई में प्रभाव नहीं पड़ता है। इन दोनों का प्रभाव यह होगा, मौसम की कृषि उत्पाद पर प्रभाव और कृषि भोजन की मांग का अलचीलापन, इसका प्रभाव यह होता है कि कृषि क्षेत्र में कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है दूसरों की तुलना में। इसमें भी कीमतें बदल रही हैं पर बहुत थोड़ी बदल रही हैं, और यहां आप देखिए कीमतों में कैसा उतार चढ़ाव। इसलिए पूरी दुनिया में, और केवल पूरी दुनिया में नहीं, बाजारवादी अर्थशास्त्र के हिसाब से भी कीमतों में इतना बदलाव जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देता है, क्योंकि ये भोजन की कीमतें हैं। अगर भोजन की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो सारी अर्थव्यवस्था में हलचल हो जाती है। एक कारण ये है कि पूरी दुनिया के और बाजारवादी अर्थशास्त्र के नजरिए से भी कृषि क्षेत्र की कीमतों को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, एक कारण। एक दूसरा कारण भी है कि कृषि क्षेत्र में पूरी दुनिया में क्यों सरकार का दखल रहता है। आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है, स्कूटर की जगह कार आ जाती है, और इनकम बढ़ती है, एक कार की बजाय दो कारें आ जाती है, और इनकम बढ़ती है, बड़ी कार आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आय बढ़ रही है उसी अनुपात में लगभग या उससे ज्यादा भी आपकी खपत भी बढ़ रही है। पर जिस जब मोटरसाइकिल से आप कार पर आए तो आपके गेहूं की खपत कितनी बढ़ी, जब एक कार से दो कारों पर आए तो आपकी गेहूं की खपत और कितनी बढ़ गई, और छोटी कार से बड़ी कार पर आए तो क्या आपकी खपत उतने गुना बढ़ गई है, नहीं बढ़ती। ठीक है, वेस्टेज होने लग जाएगा, आप थोड़े महंगे फल खाने लग जाओगे, आमतौर पे सस्ते फल खाते थे, दो कार आ जाएंगी तो थोड़े महंगे फल खाने लग जाओगे, पर मात्रा में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला। इसका मतलब ये है कि अगर बाजार के भरोसे कृषि क्षेत्र को छोड़ा तो बाकी क्षेत्र जितनी तेजी से आगे बढ़ेगा कृषि क्षेत्र उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि कारों की मांग जितनी तेजी से बढ़ेगी उतनी तेजी से गेहूं की मांग नहीं बढ़ने वाली है, उतनी तेजी से प्याज की मांग नहीं बढ़ने वाली है, भोजन की मांग उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी जिस अनुपात में आय बढ़ती है, बाकी अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है। अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो कहेंगे कि कृषि की उत्पाद की इनकम इलास्टिसिटी है वो एक से कम होती है, मतलब जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में कृषि उत्पादों की मांग नहीं बढ़ती है। तो अगर हम बाजार के भरोसे कृषि को छोड़ देंगे तो कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग, उसमें काम करने वाले लोग बाकी अर्थव्यवस्था से पिछड़ जाएंगे,
बाकी अर्थव्यवस्था में अगर 10% ग्रोथ रेट हो रही है तो कृषि में पता लगा 1% हो रही है, आधा परसेंट हो रही है, उनसे कम होगी क्योंकि भोजन की मांग उस अनुपात में नहीं बढ़ती है, जबकि कार की, टीवी की, मोबाइल फोन की मांग इनकम के अनुपात में बढ़ती है। तो ये दो कारण है जिसके चलते पूरी दुनिया में और बाजार का अर्थव्यवस्था मतलब जो मूल धारा का अर्थशास्त्र वो भी कहता है कि इसमें दखल तो करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अब ये दखल के तरीके अलग अलग है, अलग अलग देशों में दखल के तरीके अलग अलग है। भारत में MSP ने वो रूप लिया, दूसरे देशों में अलग अलग रूप लिया। कई देशों में तो यहां तक भी है कि खेत खाली छोड़ने के पैसे दिए जाते हैं सरकार द्वारा। आपके पास दुधारू गायें हैं, उनकी संख्या कम करने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। तो दखल हर देश में है, उसके रूप अलग अलग है। यूरोप जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में आमतौर पे कृषि उत्पाद की जो खरीद फरोख्त है वो फॉर्मल चैनल से ही होती है, रिकॉर्डेड होती है, आंकड़े होते हैं बाजार में, मतलब एक तरीके से वो इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्शन है तो सब आंकड़े होते हैं उनके पास। तो वहां ये तरीका भी हो सकता है कि सरकार एक MSP घोषित कर दे, परंतु MSP देने की बजाय जितना बाजार भाव में बिके उसका जो अंतर है उस आदमी के खाते में डाल दे। भावांतर, जैसे भारत में भावांतर योजना का नाम दिया गया है कि जो बाजार भाव है और जो आपको लगता है कि किसान को मिलना चाहिए उसके बीच में जो अंतर है वो किसान के खाते में डाल दिया जाता है। बहुत सारे यूरोपियन और अमेरिकन देशों में, अमेरिका में और बहुत सारे देशों में ये भी होता है। तो मुख्य बात यह है कि दखल के तरीके अलग अलग हो सकते हैं परंतु बाजार व्यवस्था पे कृषि को नहीं छोड़ा जा सकता, और दखल के इन तरीकों के भी अलग अलग परिणाम हैं। अगर सरकार ऊंचे भाव बढ़ने पर या भाव गिरने पर अगर सरकार भाव गिरने पर खरीदती है तो सरकार के पास स्टॉक होगा, और अगले साल अगर भाव बढ़ जाते हैं तो सरकार उसे मार्केट में बेच के भावों को बढ़ने से भी रोक सकती है। अगर भावांतर के तहत पेमेंट हो रही है, व्यवस्था भावांतर की है, कम वे दाम कम गिर गए तो सरकार ने उनको भुगतान कर दिया, अब दाम बढ़ गए तो अब सरकार के पास कुछ नहीं है करने को, क्योंकि प्याज तो खरीदा नहीं था सरकार ने कि इस साल बेच दे। जबकि अगर सरकार खरीदती है तो बाजार की अवस्था के हिसाब से वो इंटरवीन भी कर सकती है कि भाई अगर भाव बढ़ रहे हैं तो पिछले साल का स्टॉक पड़ा है उसे मंडी में ला के भावों को नियंत्रित भी कर सकती है। तो मुख्य बात यह है कि इन दो कारणों से, एक कि कृषि का उत्पादन मौसम से उस तरीके से प्रभावित होता है जिस तरीके से बाकी कोई भी उद्योग प्रभावित नहीं होता, और जहां हम यहाँ कृषि की बात करें केवल खेत नहीं है, फल भी है, सब्जियां भी है, मछली पालन भी है, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं जो प्रकृति पर निर्भर चीजें। और दूसरा चीज, कृषि की उत्पाद की जो मांग है उसकी प्रकृति बाकी चीजों से अलग है, वो कीमत से इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होती। तो इसका परिणाम ये होता है कि कृषि क्षेत्र की कीमतें बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं, ना कि मांग इतनी प्रभावित नहीं होती। तो MSP एक तरीका है। MSP है क्या? हम बोल तो देते हैं कि MSP पर, MSP है क्या? MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है? ये ईंख के लिए, गन्ने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उससे ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। गन्ने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, उचित और लाभकारी मूल्य। तो MSP क्या है? एक सरकारी विभाग ने देश भर के आंकड़े जुटाए, उसके आधार पर तय किया कि न्यूनतम लाभकारी मूल्य ये है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये न्यूनतम लाभकारी मूल्य है तो उसे सुनिश्चित कौन कराएगा? आपने ये तो गणना करके बता दिया कि ये न्यूनतम लाभकारी मूल्य है, पर उसे कुछ सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। कल को सरकार कह दे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य या कर्मचारियों की जो न्यूनतम वेजेस हैं वो 1,00,000 रुपए से कम महीने की किसी की नहीं होनी चाहिए, घोषणा कर दे। अब देगी नहीं रोजगार 1,00,000 से नीचे का तो फिर क्या बनेगा?
तो एक लेवल पे एमएसपी की मांग का एक वाक्य में भी सवाल का अंत किया जा सकता है कि अगर आप एक कीमत घोषणा करते हैं कि ये एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम लाभकारी मूल्य है, तो वो सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? और बिना सुनिश्चित के फिर आपकी इस घोषणा का अर्थ क्या है? अगर किसान को मिलना तो वही है, तो फिर आपकी एमएसपी की घोषणा का अर्थ क्या है? तो एक स्तर पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप अगर घोषणा कर रहे हैं कि ये न्यूनतम लाभकारी मूल्य है, तो उसके साथ ये सुनिश्चित करना कि ये वास्तव में मिले भी किसान को, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। एमएसपी के पक्ष में मेरे ख्याल में ये बुनियादी तर्क हैं और ये पर्याप्त हैं। अब इसके विरोध में जो तर्क आते हैं उनकी जरा बात करें, पर इससे पहले थोड़ी सी और बात भी कर लेते हैं एमएसपी के बारे में। एमएसपी घोषित होती है फिर भी किसान खुश नहीं होते हैं। अब एमएसपी पूरे देश के लिए घोषित होनी होती है और पूरे देश की उत्पादकता में और उत्पादन लागत में बहुत ज्यादा अंतर है। केरल में एक एकड़ में कितना गेहूं और धान पैदा होता है और पंजाब में या बिहार में एक एकड़ में कितना धान और गेहूं पैदा होता है और उसकी लागत कितनी आती है, इसमें 2-3 गुने तक का अंतर आपको मिल सकता है। कर्नाटक में नॉर्मल ईंख की जो पैदावार है वो 900 क्विंटल 1000 क्विंटल प्रति एकड़ के करीब है और हरियाणा में अच्छी पैदावार 400 क्विंटल मान ली जाती है। महाराष्ट्र के गन्ने की रिकवरी रेट, एक क्विंटल गन्नों से कितना चीनी बनेगी, वो हरियाणा पंजाब के गन्ने से कहीं ज्यादा है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, लागत खर्च, अब केरल में तो मजदूरी 700 रुपया से कम नहीं मिलेगी आपको दिहाड़ी पे मजदूर, तो लागत भी बढ़ गई और उनकी उत्पादकता भी कम है। तो ये पूरे देश में ये अंतर होते हैं। अब कीमत तो एमएसपी अगर डिक्लेयर होनी है तो एक ही हो सकती है। इसे ऑर्गेनाइज करना कि केरल के लिए एमएसपी कुछ और हो जाए, किसी और के लिए कुछ और हो जाए, किसी और के लिए कुछ हो जाए, वो एक संभव है, ऐसा नहीं कि वो संभव है, पर वो हमारी व्यवस्था अभी तक है नहीं। इसीलिए आपको ये आंकड़े भी आते रहते हैं कि एमएसपी के बावजूद खेती घाटे का सौदा है। अब वो कहाँ के आंकड़े लेके आप उस तरीके की बात कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जब ये पिछले साल 3 कृषि कानून आए थे तो उस समय कांग्रेस की कुछ सरकारों ने, पंजाब की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने कानून पास किए थे कि एमएसपी से नीचे की खरीद गैरकानूनी होगी। हालांकि उसमें भी कुछ सीमाएं थी, जैसे पंजाब ने जो कानून पास किया था केवल गेहूं के लिए किया था एमएसपी का, बाकी और वस्तुओं की एमएसपी का नहीं किया था। ऐसे छत्तीसगढ़ राजस्थान ने भी कुछ कुछ और किया था, परंतु ये भी पर्याप्त नहीं है। आपने ये तो घोषित कर दिया कि एमएसपी से नीचे की खरीद गैर कानूनी होगी, पर खरीदेगा कौन ये सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी चीज है। वरना तो क्या होगा, आज हम बहुत सारे लोग शिक्षा से जुड़े हुए बैठे हैं, प्राइवेट कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज हो, एडेड कॉलेज हो, अनएडेड कॉलेज हो, यूजीसी के डिफाइंड ग्रेड्स मिनिमम सबको मिलने ही चाहिए और कागजों में मिलते ही हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, कि बीएड कॉलेज में पढ़ाते थे, बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल थे, स्कूल के टीचर लग गए सरकारी स्कूल में तो फट से बीएड कॉलेज के प्रिंसिपलशिप छोड़ के स्कूल की टीचरशिप ले ली। अब सरकारी ग्रेड तो बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल का कुछ और है, तो और कागजों में मिलता भी है, क्योंकि कागजों में कोई भी शिक्षण संस्थान हो यूजीसी से नीचे ग्रेड्स नहीं दे सकती है। ऊपर बेशक दे दे, बदल दे, कुछ और कर दे, पर यूजीसी से नीचे नहीं दे सकती। हम सब जानते हैं कि अनुभव क्या है। तो इतना भर पर्याप्त नहीं है। कई बार मांग उठती है कि एमएसपी से नीचे की खरीद को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए। ये सुनिश्चित होना चाहिए कि वो खरीदी हो, वरना तो क्या होगा कि किसान जैसे सारे प्राइवेट कॉलेजेस के कर्मचारी करते हैं, साइन किसी और कीमत पे करते हैं और पेमेंट कुछ और लेते हैं, वही किसान को भी करना पड़ेगा, कागजों में दिखाना पड़ेगा कि मैंने इस भाव बेचा, बेचेगा उसे आधे दाम पर। तो
लीगली एमएसपी से कम पे खरीदना बेचना गैर कानूनी करने से काम नहीं चलेगा, ये सुनिश्चित भी होना चाहिए कि वो मिले। उसकी बात उठते ही सवाल आ जाता है कि सरकार के पास इतना कैसे पैसा आएगा, सरकार ऐसे कैसे सारी सामान को खरीद सकती है, और सरकार खरीद ले और उसकी मांग ना हो, किसान इतना ज्यादा गेहूं और धान पैदा कर दे उसकी जरूरत ना हो तो सरकार क्या करे। ये दो सवाल आमतौर पर आपके बीच में आते हैं, आपने सुना होगा कि इतने लाख करोड़ का बजट हो जाएगा अगर सरकार को सब कुछ खरीदना है। गारंटी का मतलब ये नहीं है कि सरकार को सब कुछ खरीदना है, गारंटी का मतलब यह है कि उससे नीचे कीमतें गिरेंगी तभी सरकार खरीदेगी। ईंक जिसकी फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइसेस लगभग एमएसपी जैसी, नाम अलग है, किसी कानूनी उसके हिसाब से अलग होगा, तो प्राइवेट शुगर मिल्स खरीद नहीं रही है क्या? तो एमएसपी की गारंटी होने का यह मतलब नहीं है कि सरकार को सब कुछ खरीदना है। जिसने ब्रेड बना के बेचनी है तो वो गेहूं खरीदेगा, जिसने पिज्जा बना के बेचना है वो गेहूं खरीदेगा जिस भी भाव पे मार्केट में मिल रहा होगा। वो एमएसपी से अगर उसे, किसान के सामने दिक्कत क्या है कि किसान को अगर बाजार में अच्छा भाव मिलता है तो पिज्जा वाले को बेच देगा, ब्रेड वाले को बेच देगा, नहीं अगर उसे उतना भाव मिलता तो उसे ये गारंटी होगी कि सरकार उस पर इंटरवीन करेगी, खरीदेगी एमएसपी। तो सरकार को सब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, सरकार को केवल एक, जिसे रिजर्व बैंक के बारे में कहते हैं बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि और कोई नहीं तो फिर रिजर्व बैंक उस चीज को देखेगा, उसी प्रकार से सरकार को एमएसपी की गारंटी में इतना ही करना पड़ेगा कि और कोई नहीं खरीदेगा तो गेहूं या जो भी फसल है वो सरकार खरीदेगी। तो ये जो हवा बनाया जा रहा है कि इतने लाख करोड़ का खर्चा हो जाएगा, वो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि देश में कृषि का उत्पादन कितना होगा। देश में कृषि का कुल उत्पादन जितना होता है उसमें से एक बड़ा हिस्सा तो, एक हिस्सा तो किसान अपने खाने के लिए रख लेता है, वो सरकार को खरीदना नहीं पड़ेगा, वो तो आगे भी रखेगा। और दूसरा, सरकार को जो मार्केटेबल सरप्लस है, जो बिक्री के लिए मंडी में आता है, तीन चीजें होंगी, कुल उत्पादन और फिर जो बिक्री के लिए मार्केट में आएगा, कुल उत्पादन से बिक्री के लिए आने वाला हिस्सा कम होगा, कितने परसेंट कम होगा आंकड़ों में ना मुझे मालूम, ना मैं जाने की जरूरत समझता। तो कुल जो पैदावार के हिसाब से आ रहा है कि सरकार का इतना खर्चा हुआ, वो तो वैसे ही गलत है, मार्केटेड सरप्लस पे निर्भर करें। मार्केटेड सरप्लस में भी जिसने अब टमाटर बना के वो जैम बेचना है, वो सॉस बेचना है, वो टमाटर खरीदेगा ही खरीदेगा, सरकार को सारा वो खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैंने आंकड़ों पर ज्यादा काम नहीं किया है, परंतु बहुत सारे लोगों के आंकड़े आए हैं कि वास्तव में जो सरकार का जो एडिशनल खर्चा हो जाएगा अगर गारंटी होती भी है, तो पिछले सालों के आंकड़े देखें तो 1.5 लाख करोड़ के करीब साल का अतिरिक्त खर्चा होगा मात्र, क्योंकि सरकार को सब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक सवाल आता है कि सर धान इतना पैदा हो जाएगा तो धान की खपत नहीं है तो सरकार खरीद के क्या करेगी। अगर धान की खपत नहीं है और एमएसपी आपने ऐसा सेट कर दिया है कि टिब्बे का किसान भी धान पैदा कर रहा है, मैं मातन हिल की तरफ जा रहा था, टिब्बे के किसान है, फौरे से खेती होती है, वो भी धान करने लग रहा है, वो धान क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी बाजरा की तो उस पर भरोसा नहीं है कि खरीद होगी कि नहीं होगी। और विद्वानों के अध्ययन दिखाते हैं कि टिब्बे वाले जो या रेवाड़ी और झज्जर के इलाके में जो धान की खेती कर रहे हैं, एक फसल में धान की में 38 से 40 बारी पानी देना पड़ रहा है। 38 से 40 बारी पानी देना कोई किसान के लिए खुशी खुशी का काम है कि बेशक बिजली फ्री की भी हो, हर 2 घंटे में उसे रात को उठ के वो स्प्रिंकलर हटाने पड़ते हैं, क्योंकि हर 2.5 घंटे में 2-2.5 घंटे में स्प्रिंकलर को चेंज करना पड़ता है। तो बेशक बिजली फ्री की हो तो भी 38 बारी पानी देना, 40 बारी धान के खेत में पानी देना किसान के लिए कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। अगर उसे वैकल्पिक फसलों का भी लाभकारी मूल्य मिलेगा तो धान का उत्पादन क्यों इतना ज्यादा होगा? और अगर किसी फसल में ऐसा हो भी रहा है कि मांग से ज्यादा उत्पादन हो रहा है, मांग से ज्यादा उत्पादन है, तो आप उसकी कीमतों को, बढ़ोतरी की, उसकी एमएसपी को उतना मत बढ़ाइए
दूसरी फसलों की जो ऑल्टरनेटिव फसलें उनकी एमएसपी को बढ़ा दीजिए, उनका उत्पादन बढ़ने लग जाएगा तो इसका उत्पादन अपने आप कम हो जाएगा। तो ये जो प्राइस की एमएसपी गारंटी करते हुए भी कोई सरकार पे ये बंधन नहीं हो रहा कि आपको इसी हिसाब से एमएसपी रखनी है, आप उनकी तुलनात्मक बाजरे की, मक्के की, जिन वस्तुओं को आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उनकी एमएसपी आप तुलनात्मक रूप से ज्यादा रखिए, और जिन वस्तुओं का उत्पादन आप कम करना चाहते हैं उन वस्तुओं की आप एमएसपी कम रखिए। और आइडियली तो आप कुल मिला के मोटे तौर पर यह सुनिश्चित करें कि बाजरे के किसान और धान के किसान को लगभग एक जैसी प्रॉफिटेबिलिटी हो, तो आपकी इस समस्या का हल हो सकता है। फिर ये सवाल भी उठता है कि 23 फसलों के लिए ही क्यों, सब फसलों के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल सब फसलों के लिए होना चाहिए, पर आप शुरुआत जिसकी आप एमएसपी डिक्लेयर कर रहे हो उसकी तो गारंटी कीजिए, और कीजिए और फसलों के लिए भी कीजिए, होना भी चाहिए। एक सवाल ये आता है कि हॉर्टिकल्चर, दूध, इनमें तो कोई एमएसपी नहीं है, फिर भी कुछ अर्थशास्त्र ने आंकड़े दिखाए कि इनमें जो वृद्धि की दर है वो गेहूं वगैरह की वृद्धि की दर से कहीं ज्यादा है। फ्रूट, दूध, ये दो एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि इनमें कोई एमएसपी नहीं है पर ये ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहे हैं। अब आप याद करिए मैंने क्या कहा था कि भोजन की मांग आमतौर पर कीमतों से ज्यादा प्रभावित नहीं होती, एक बात कही थी, और आय के अनुपात में नहीं बढ़ती है। फ्रूट का आप देखिए, फ्रूट का क्या होता है, गरीब आदमी तो बिल्कुल फ्रूट नहीं खाता, खा भी नहीं सकता, पर जैसे संपन्नता आती है फ्रूट की मांग बढ़ जाती है। तो देश में क्योंकि बाकी तब कुछ हद तक आर्थिक प्रगति हो रही है तो फ्रूट की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ने के साथ फ्रूट की, दूध की, अंडों की, इन चीजों की मांग बढ़ती है, पर जो बुनियादी भोजन पदार्थ है उनकी मांग उस अनुपात में नहीं बढ़ती है। तो इसलिए ये कहना कि इन 23 फसलों के लिए क्यों नहीं, सब तो सबके लिए होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर फिलहाल आप 23 की कर रहे हो, 23 की तो कम से कम सुनिश्चित कीजिए। अगली तर्क ये दिया जाता है कि किसान को सुनिश्चित कीमत या सुनिश्चित आय की बात हो रही है तो मजदूर को क्यों नहीं, दुकानदार को क्यों नहीं, और किसी को क्यों नहीं? तो हम तो कहते हैं कि सबके लिए सुनिश्चित आय होनी चाहिए, न्यूनतम बेसिक इनकम की बात भी हो रही है, दूसरे देशों में चल भी रहा है, और ना भी चल रहा हो, ना हो रही हो मांग पूरी, परंतु आय सुनिश्चित, सुनिश्चित पेंशन बुढ़ापे का तो सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। आप ये कह के कि किसानों के लिए क्यों, बाकी तो सबके लिए करो, आप देश की अर्थव्यवस्था को इस ढंग से चलाइए कि सबके लिए ये चीजें हों, परंतु इस लॉजिक से ये कहना कि किसानों की मांग गैर वाजिब है वो नहीं होता, वो सही बात नहीं है, वो तार्किक बात नहीं है। फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि देखिए एमएसपी से खेती की सारी समस्याएं नहीं हल होने वाली, खेती की बड़ी समस्याएं हैं और एमएसपी केवल उसका निदान नहीं है। भाई कौन मना करता है और निदान करने के लिए, और उपाय करने के लिए, पर एमएसपी को क्यों आप मना करते हो, कोई बेहतर उपाय तो वो भी कर लीजिए। एक तर्क दिया जाता है कि किसान की खेती की मुख्य समस्या उसकी जोत छोटी है, अगर जोत उसकी बड़ी होती तो दिक्कत नहीं होती। अब जोत छोटी है, खेती में ज्यादा लोग हैं, खेती में ज्यादा लोग क्यों हैं, क्योंकि बाहर और कोई विकल्प नहीं है, ये तो लगातार सर्वेस दिखा रहे हैं कि खेती तो कोई नहीं करना चाहता, पर फिर भी 50% आबादी खेती कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि आप और विकल्प दे नहीं रहे हैं। आज खेती वही कर रहा है जो फंसी में बैठा है वहां पे, उसको वहां से खदेड़ने की तैयारी करें आप ये कह के छोटी जोत उसकी जिम्मेदार है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो तीसरा कानून था वो इसी मकसद से आया था, तो वो बात तो सही नहीं है। आप विकल्प, बेहतर विकल्प दीजिए, अपने आप ये खत्म हो जाएगी। अगर एमएसपी से बेहतर कोई और किसान के लिए व्यवस्था है तो वो भी कर दीजिए, एमएसपी भी कर दीजिए, अपने आप कुछ किसान छोड़ के चले जाएंगे। आप ये चीज हाईलाइट करके कि एमएसपी ही से सारी समस्याएं हल नहीं होंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि एमएसपी होनी नहीं चाहिए। एमएसपी से निश्चित तौर पर सारी समस्याएं नहीं हल होंगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि एमएसपी ना हो। एमएसपी हो, उसके अलावा जो भी उपाय आप सजेस्ट करते हैं वो कीजिए।
एक तर्क ये आता है कि कीमतें बढ़ने लग जाएंगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो जाएगा, कीमतें ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, सामान्य कीमतें, महंगाई बढ़ जाएगी या महंगाई बढ़ जाएगी। कई बार किसान और उपभोक्ता को आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है कि एमएसपी बढ़ेगी तो उपभोक्ता को नुकसान होगा। खाद्य पदार्थों की कम कीमतें उपभोक्ताओं के हित में नहीं है बुनियादी तौर से, ये नियोक्ताओं के हित में है, जो रोजगार दे रहे हैं उनके हित में है कि वेजेस कम रहे ताकि इंडस्ट्री बढ़ सके। मिनिमम वेजेस अभी भी इंडस्ट्री जो है आइडियल मतलब जैसा आमतौर पे होता है कि वो मजदूर को जिंदा रखने लायक ही देती है आमतौर पे, निचले स्तर पे कम से कम, ऊपर वालों को बेशक करोड़ों करोड़ों के पैकेज मिलते हों परंतु निचले स्तर पे तो सब्सिस्टेंस वेज रेट ही लगभग रहता है, मतलब जिंदा रहने के लिए जितना जरूरी है उतना ही मिलता है। अगर खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएंगी तो मजदूर को जिंदा तो फिर भी रखना पड़ेगा आपको, तो मजदूर को तो आपको वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी, नुकसान किसको होगा? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो कंपनीज कर रही हैं। तो लो फूड प्राइसेस उपभोक्ता के हित में नहीं है पर से बुनियादी तौर से, वो मकसद नहीं है कि उपभोक्ता को सस्ता मिल जाए, उपभोक्ता को सस्ता मिल जाए ताकि वेज रेट कम रह सके, वेज रेट कम रह सके ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट कर सके, उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो। तो अगर कीमतें बढ़ती भी हैं तो उसका नुकसान मतलब लॉन्ग रन इमीडिएटली तो जाहिर है उपभोक्ता को भुगतना पड़ेगा, पर अगर वो लगातार एमएसपी की व्यवस्था रहती है और लगातार वो होता है तो वो उनके वेज रेट बढ़ेंगे उसका उपभोक्ता के उस पर। दूसरी चीज, आप कुछ भी करते हैं, किसी को भी बेहतर स्थिति देते हैं, कर्मचारियों को हायर वेजेस देते हैं, कर्मचारियों को पेंशन देते हैं, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए मिनिमम वेजेस बढ़ाते हैं, कुछ भी आप करते हैं तो उसका कीमतों पे तो प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब फिर हम कर्मचारी के तौर पे अपनी हायर तनख्वाह के लिए मांग करनी बंद कर दें, पेंशन की मांग करनी बंद कर दें, किसी भी वर्ग को कुछ भी रियायत दी जाएगी उसकी स्थिति में सुधार के लिए तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो बिल्ड होगा, पर वो कितना होगा ये निर्भर करेगा कि आप वो पूरी कृषि उत्पाद की कीमत का हिसाब लगा रहे हैं या केवल जो सरकार को एडिशनल खर्च करना पड़ेगा वो। और इन्फ्लेशनरी मतलब जाहिर है कृषि की कीमत बढ़ेगी तो बाकी वस्तुओं की कीमतें भी कुछ हद तक बढ़ेंगी, परंतु उसका भुगतान उसकी उसका मतलब आप किसान को न्यूनतम लाभकारी मूल्य से नीचे घर धकेलोगे क्या? जो आपकी अपनी गणना कहती है कि न्यूनतम लाभकारी मूल्य है उसके लिए, कीमतों को बढ़ोतरी को सीमित करने के लिए क्या उसको घाटे में डालना चाहोगे क्या? एक तर्क और दिया जाता है कुछ लोगों द्वारा, डॉक्टर सांगवान भी उनमें से एक हैं, कि एमएसपी तो होनी चाहिए, इसके साथ एरिया प्लानिंग होनी चाहिए कि इतने एरिया में ये किसान ऐसे करेगा, उस एरिया में ये होगा, ताकि ये ना हो कि अनलिमिटेड गेहूं पैदा हो जाए, मतलब जरूरत से ज्यादा गेहूं और धान पैदा हो जाए। ये हो रहा है अभी, जैसे मैंने बताया झज्जर का किसान टिब्बे में भी धान पैदा कर रहा है। मेरा अपना गांव जो जहां कोई मतलब वो नहीं है पानी की बेहतर सुविधा नहीं, टिब्बे है, वहां भी धान की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बाकी फसलों के लिए आपको लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। अगर आप सब फसलों के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने लग जाएगा तो वो 38 बारी 40 बारी पानी दे के टिब्बों में धान नहीं उगाएगा। और उसके बावजूद भी अगर वो स्थिति होती है कि ये सारी फसलों का करने के बावजूद भी हमारे पास जो मांग से ज्यादा उत्पादन होने लग जाता है तो हम कीमतों को उस हिसाब से कीमतों की बढ़ोतरी को तुलनात्मक रूप से एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे अंतिम विकल्प जो यूरोपियन देशों में पाया जाता है, किया जाता है, कि फाइनली आप किसान को खेत खाली छोड़ने के भी पैसे देते हैं और दिए जा रहे हैं देशों में। तो वो एरिया प्लानिंग एक कदम हो सकता है जरूरत पड़ने पर, परंतु फिलहाल तो सब फसलों की आप पहले तो एमएसपी सुनिश्चित करिए
उसके बावजूद भी जरूरत पड़ती है तो उस स्टेज पे भी जाया जा सकता है, परंतु आज एमएसपी के तुलना में उसके सामने इस सुझाव को रखना कि ये होना चाहिए, वो मेरे ख्याल में एक अंतिम बात मैं अपनी करके फिर इस चीज को एक कल परसों इंडियन एक्सप्रेस में रमेश चंद का लेख आया है, रमेश चंद नीति आयोग में कृषि के वो मतलब इंचार्ज हैं एक तरह से, कृषि वाला वो देखते हैं, तो उस उनके लेख से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस दिशा में सोच रही है, क्या प्रपोजल आ सकते हैं, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने क्या कहा है, एमएसपी की जगह उन्होंने शब्द प्रयोग किया है शायद एपीएफएफ, मतलब हो सकता है शब्द थोड़ा ऊपर नीचे हो, अश्योर्ड प्राइसेस फॉर फार्मर्स, एमएसपी नहीं अश्योर्ड, बात क्या है। अब उसमें वो कह रहे हैं कि अश्योर्ड प्राइसेस किसान को बिल्कुल मिलनी चाहिए, परंतु 50% प्रॉफिट वो लागत में 50% नहीं मिलना चाहिए, कम होना चाहिए। एक तो ये बात वो कह रहे हैं, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि सारी फसलों की जिम्मेदारी केंद्र की नहीं होनी चाहिए, कुछ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, कुछ फसलों की केंद्र सरकार करे जिम्मेदारी, कुछ की राज्य सरकार करे। तो उसके ये उनका तर्क इस दिशा में जा रहा है, एमएसपी को नाम बदल के एएसपी एपीएफ कर दो या कुछ और एब्रिविएशन बनाइयो, अश्योर्ड प्राइसेस फॉर फार्मर्स या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कुछ ऐसा बनाया होगा। तो बात तो एमएसपी क्या है, वही तो चाहते हैं कि अश्योर्ड प्राइसेस हो। अगली बात उसमें उन्होंने कहा कि 50% नहीं होना चाहिए। शुरू में जब मैंने भी 50% की बात सुनी तो मुझे भी 50% प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा लगा कि 50% तो नहीं होना चाहिए। पर अगर आप सोचिए, सवेरे आप सब्जी खरीदते हैं, शाम तक बेच देते हैं, मान लो 2%, 5%, 10% मार्जिन पे बेच देते हैं, और वो हम सब लोग जायज समझते हैं कि भाई इतना तो कमाना ही चाहिए। दुकानदार आज मार्केट से सामान लेके आता है, हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर उसमें बिक जाता है, उसके पास जेब में मुनाफा आ जाता है, और वो 5, 10, 20, 15% भी फालतू लेता है तो हमें लगता है कि इतना तो जायज है। अगर उसका माल एक साल में एक ही बारी बिके, उस पूंजी पे एक ही साल में उसे एक बारी प्रॉफिट मिले, तो 50% जब मिलता है तो 4 महीने, 5 महीने, 4.5-5 महीने लगभग के बाद उस पूंजी पे रिटर्न मिलती है। अगर एक दिन में वो 5% की या 10% की पूंजी पे रिटर्न हम जायज समझते हैं, तो 4.5 महीने की, 5 महीने की, 4 महीने की तो फिर 50% इतनी नजायज नहीं लगेगी आपको। तो इस हिसाब से अर्थशास्त्र के नजरिए से देखिए तो भी सरकार का, समाज का, सरकार का कृषि बाजार में दखलंदाजी जायज है, पूरी दुनिया में होती है, बाजार का अर्थशास्त्र भी यही कहता है सिद्धांत के तौर पे। और जहां तक गारंटी की बात है, बिना गारंटी के इस घोषणा का, एमएसपी की डिक्लेयर करने का कोई अर्थ ही नहीं।